जय हिंद। आज की क्लास का सेशन देखिए, मार्च के ही करंट अफेयर्स रहेंगे, ठीक है। वन लाइन करंट अफेयर है, डिस्कशन कम रहेगी, पीछे बहुत सारे हमारे करंट अफेयर छूट गया। स्पोर्ट्स के देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन जो है स्पोर्ट्स का करंट अफेयर है। मैक्स वेस्टापन आपको क्वेश्चन किस तरह आ सकता है, और ये आरआईएमसी के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैक्स वेस्टापन कौन सी स्पोर्ट्स से एसोसिएटेड है, पहला क्वेश्चन ये बनता है। मैक्स वेस्टापन खेलते हैं फार्मूला वन, क्या खेलते हैं? फार्मूला वन। और कौन सी गाड़ी, अब नेक्स्ट आता है, ये कौन सी गाड़ी चलाते हैं, ये रेड बुल। कौन सी? रेड बुल। दोनों क्वेश्चन यहां रखने हैं। इस तरह के क्वेश्चन भी मैक्स फार्मूला वन रेसिंग से आते हैं। अब याद रखना कि सऊदी अरेबियन फार्मूला वन ग्रैंड प्रिक्स किसने जीता, मैक्स वेस्टापन ने, ठीक है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लास्ट ईयर भी मैक्स वेस्टापन ने बहुत सारे टाइटल जीते थे, और इस साल भी सऊदी अरेबियन फार्मूला वन ग्रैंड प्रिक्स किसने जीता, मैक्स वेस्टापन ने। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये सब सबके लिए इंपॉर्टेंट है, आरएएनसी के लिए, एनडीए के लिए, सीडीएस के लिए, जेकेएसएसबी कांस्टेबल के लिए, एसएससी जीडी, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रणजी ट्रॉफी से क्वेश्चन आता ही आता है, 2020 ये पूरा साल करंट अफेयर का क्वेश्चन चलेगा, ठीक है। रणजी ट्रॉफी जो है एसोसिएटेड विद विच गेम, ठीक है, क्रिकेट। रणजी ट्रॉफी क्रिकेट में खेली जाती है। रणजी ट्रॉफी होगी और कौन सी होगी, बोलो भाई। दियोदर कप। हाँ, दियोदर कप, एशियन कप, एशियन कप और चैंपियन ट्रॉफी नहीं है, ठीक है, याद रखिएगा। 2016 से पहले चैंपियन ट्रॉफी किसमें थी, क्रिकेट का पार्ट था। अब चैंपियन ट्रॉफी जो है वो किसका है, हॉकी का पार्ट है, ठीक है। चैंपियन ट्रॉफी जो होती है हॉकी में खेल जाती है, और रणजी ट्रॉफी जो है ये खेल जाती है क्रिकेट में। इस साल रणजी ट्रॉफी जीती है मुंबई ने, किसने, मुंबई ने। हराया किसको है, विदर्भा। विदर्भा किसको कहा जाता है, एमपी को। किसको कहा जाता है, एमपी की टीम को विदर्भा कहा जाता है। नेक्स्ट आता है, ये पहली बार हुआ है स्पेन ने वुमेन नेशनल नेशन लीग यूईएफए जीता है, ठीक है, ये फुटबॉल। अब यूईएफए वुमेन नेशन लीग जो है ये किससे एसोसिएटेड है, किससे, फुटबॉल से। स्पेन ने ही जीता है, और सेकंड जो टीम है वो किसने जीती है, नीदरलैंड ने, ठीक है। मेंस में किसने जीता है, नीदरलैंड ने, ये भी याद रखिएगा। पहली बार हिमाचल प्रदेश के अंदर, ये पंजाब पुलिस के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है, पहली बार हिमाचल प्रदेश के ऊपर एशियन रिवर राफ्टिंग चैंपियन हुई, चैंपियनशिप की गई। राफ्टिंग जो है ये, अब यहाँ पे ये नहीं पूछेंगे कि हिमाचल प्रदेश में नेशनल रिवर राफ्टिंग की, यहाँ पे क्वेश्चन बनता है नेशनल रिवर राफ्टिंग चैंपियनशिप कौन सी नदी के ऊपर हुई, ठीक है, सतलुज नदी के ऊपर। ये सतलुज नदी कौन सी है, हिमाचल प्रदेश की, कहाँ की है, हिमाचल प्रदेश। हाँ, याद रखिएगा, सतलुज नदी के ऊपर एक और क्वेश्चन लिख लें, ये भी क्वेश्चन आता है, सतलुज नदी के ऊपर कौन सा डैम बना है, ये हाईएस्ट ग्रेविटी डैम है भारत का, ये स्टैटिस्टिक का क्वेश्चन, ठीक है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट, ठीक है। ये जो डैम बना है, हाईएस्ट ग्रेविटी डैम ऑफ इंडिया, हाईएस्ट ग्रेविटी डैम है भारत का। कभी कभी क्वेश्चन आता है हाईएस्ट ग्रेविटी डैम कौन सा है, वो कौन सा है, भाखड़ा नंगल डैम। कौन सा है, भाखड़ा नंगल डैम। और ये भाखड़ा नंगल डैम, जब नंगल की बात आती है सबका जो ब्रेन है, जो हम दिमाग लगाते हैं, सीधा पंजाब चले जाते हैं, ये पंजाब में नहीं, कहां पे है, हिमाचल। रणजीत सागर डैम जो है वो कहां पे है, वो भी हिमाचल प्रदेश। राणा प्रताप, रणजीत सागर है कि राणा प्रताप, रणजीत सागर, ठीक है, और ये भी हिमाचल प्रदेश में है, ठीक है। सारो नदी, सारो ऑफ हिमाचल प्रदेश, लास्ट ईयर सारो जो थी वो ब्यास, कौन सी थी, ठीक है, याद रखिएगा, सारो, सारो नदी, सारो ऑफ एचपी हिमाचल प्रदेश, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, ब्यास, ठीक है। हिमाचल प्रदेश की कैपिटल है शिमला, क्या है, शिमला। अब इसके इलेक्शन हुए हैं, आप सबको रिजल्ट पता ही है।
और राफ्टिंग जो ज्यादातर होती है भारत में गंगा नदी के किनारे हो, गंगा नदी में होती है, ये कहाँ पे होती है? ऋषिकेश में, ठीक है, ये भी याद रखिएगा। ऋषिकेश में राफ्टिंग जो होती है गंगा नदी में होती है, और हिमाचल में जो हुई है वो सतलुज नदी में। ये अब क्या है, पेरिनल रिवर्स है, पेरिनल रिवर्स जो होती है हर टाइम इनका बहाव बहुत तेज रहता है। नॉन जैसे तवी है, तवी देखी आपने, तवी में आप क्रॉस पैदल नहीं क्रॉस कर सकते हो, मगर सतलुज हो गया, गंगा होगी यहाँ से निकलती है, झेलम होगी, चिनाब हो गया, आप इनको क्रॉस नहीं कर सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल एग्जाम। कंज्यूमर, वर्ल्ड कंज्यूमर राइट्स डे, वर्ल्ड कंज्यूमर में क्या होता है कि आपको कंज्यूमर कौन होते हैं? हम लोग, ठीक है, हमारे लिए ये राइट्स डे है, ठीक है। वर्ल्ड कंज्यूमर लोगों को, ग्राहक जो होते हैं उनको कंज्यूमर कहा जाता है, आपको नॉलेज होनी चाहिए। और ये इसका थीम हर साल 15 मार्च की क्वेश्चन आता है, जिसका रिसेंट पेपर है ना जून जुलाई में, अब अप्रैल में जून जुलाई में उनको ये क्वेश्चन सारे आ सकते हैं, ठीक है। 15 मार्च में को हम ऑब्जर्व करते हैं वर्ल्ड कंज्यूमर राइट डे, और इस कंज्यूमर राइट डे का थीम क्या है? फेयर एंड रिस्पॉन्सिबल एआई फॉर कंज्यूमर, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट, ये याद करना है, ठीक है। थीम सबके याद करें, एक थीम आता है RIMC में, NDA में भी आता है, क्योंकि अभी NDA RIMC का पेपर होने वाला है, JKSSB का पेपर आपका कोई भी सितंबर से पहले नहीं होगा। अभी कोई है मंडे संडे को पेपर? पटवारी का, राजनाथ सिंह ने पहला भारत नौसेना का पहला हेडक्वार्टर कहाँ पे खोला गया? न्यू दिल्ली में, नौसेना भवन, ठीक है। आपको ये क्वेश्चन थोड़ा ट्विस्ट करके भी आ सकता है, दिल्ली में इंडियन नेवी ने अपना पहला कौन सा भवन खोला है, ठीक है, नौसेना भवन हिंदी का नाम है। ये ट्राइलेट्रल मैरीटाइम ड्रिल हुआ है, इसका नाम है सिक्योरिटी बेल्ट 2024। अब आपको यहाँ पे याद रखना है, सिक्योरिटी बेल्ट में इंडिया ने पार्टिसिपेट नहीं किया, कौन से तीन नेशन है, कौन सी तीन कंट्रीज है यहाँ पे सिक्योरिटी बेल्ट 2020 ऑर्गेनाइज की गई, किस किस नेवल, कौन कौन सी वर्ल्ड की नेवल टीम्स ने पार्टिसिपेट किया? चाइना, ईरान, रशिया, किस किस ने? चाइना, ईरान, रशिया। कहाँ पे ये एक्सरसाइज है? गल्फ ऑफ ओमान। कहाँ पे हुई? गल्फ ऑफ ओमान। ओमान की कैपिटल है क्या है? मस्कट। क्या है? ओमान नहीं है, मस्कट की कैपिटल ओमान है कि ओमान की कैपिटल मस्कट है? ठीक है, ओमान की कैपिटल यही है, ठीक है। चाइना की बीजिंग, चाइना की बीजिंग, ये जो 10+2 JKSSB SC GD वाले जो रहते हैं उनमें ये भी आती है, ठीक है। उसके बाद कौन सी कंट्री? ईरान। ईरान की क्या है बोलो भाई? ईरान, बगदाद, वेरी गुड, बगदाद, ठीक है। आगे नेक्स्ट रशिया, रिसेंटली अटैक हुआ रशिया में मास, ठीक है, ये चारों याद किया, ओमान की मस्कट, चाइना की बीजिंग, ईरान की बगदाद, और ईरान जो है ये भी यहां पे क्वेश्चन देखो, ईरान से कभी कभी आता है, फर्स्ट सिविलाइजेशन बिलोंग्स टू विच नेशन? ईरान। फर्स्ट सिविलाइजेशन कौन सा है? मेसोपोटामिया। कौन सा है? मेसोपोटामिया। मेसोपोटामिया जो है, ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है, कौन सी नदी के किनारे, ठीक है। आपने जितनी भी दुनिया की सिविलाइजेशन देखी है हमने, वो हर एक नदी के किनारे, जैसे इंडस सिविलाइजेशन वो किसके, इंडस सिंधु नदी के किनारे, हड़प्पा जो था वो रावी नदी के किनारे, मोहनजोदड़ो जो था सिंधु नदी के किनारे, इसी तरह हमने इजिप्शियन सिविलाइजेशन देखी, इजिप्शियन सिविलाइजेशन जो है वो नाइल नदी के किनारे है, मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन कौन सी है? टिग्रिस और यूफ्रेट्स। कौन? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, टिग्रिस एंड ये क्वेश्चन आते हैं RIMC NDA CTS, ठीक है, ये भी क्वेश्चन आपका डन। ईरान जो है, ईरान कौन सा? सुदाम हुसैन, ठीक है।
और रशिया के न्यू फिफ्थ टाइम रीअपॉइंटमेंट रीअपॉइंटेड हुए हैं कौन व्लादिमीर पुतिन याद रखिए न्यू प्रेसिडेंट और चाइना के कौन है शी जिनपिंग प्रेसिडेंट है इन्होंने भी अपना लॉ पास किया जब तक ये रहेंगे ये चाइना के प्रेसिडेंट रहेंगे शी जिनपिंग और ईरान के तो नहीं पता और इनके भी ठीक है ये आप याद रखिएगा एक्स आई जो होता है वो एस एच ठीक है शी जिनपिंग नेक्स्ट देखिए राजनाथ सिंह जो है भारत के करंट क्या है डिफेंस मिनिस्टर क्या है भारत के पहले डिफेंस मिनिस्टर कौन है बलदेव सिंह ठीक है कौन है कौन है कौन है पक्का ठीक है बलदेव सिंह अब यहां पे क्वेश्चन देखो इनसे भी क्वेश्चन रहते हैं फर्स्ट डिफेंस मिनिस्टर बलदेव सिंह फर्स्ट यहां पे इस क्वेश्चन को सभी ध्यान से देखेंगे फर्स्ट इंडिपेंडेंट फीमेल डिफेंस मिनिस्टर फर्स्ट ठीक है यहां पे क्वेश्चन देखिए फर्स्ट इंडिपेंडेंट मींस जिसके पास सिर्फ डिफेंस मिनिस्टर का चार्जेस थे इसके अलावा इसके पास कोई भी कैबिनेट मिनिस्ट्री नहीं थी फर्स्ट इंडिपेंडेंट डिफेंस मिनिस्टर कौन है निर्मला सीतारमण कौन है निर्मला सीतारमण सुषमा स्वराज पहली एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर ठीक है और फर्स्ट इंडिपेंडेंट नहीं फर्स्ट फीमेल क्या फीमेल लिखो फर्स्ट फीमेल इंडिपेंडेंट फर्स्ट फीमेल With additional charges, कौन थी इंदिरा गांधी ठीक है डिफेंस पहली जो डिफेंस मिनिस्टर थी वो इंदिरा गांधी थी ठीक है विद जब वो प्राइम मिनिस्टर थी उसके पास दो कैबिनेट मिनिस्ट्री थी एक तो वो क्या थी काउंसिल ऑफ द हेड कौन होता प्राइम मिनिस्टर दूसरा उसके पास कैबिनेट का एक और डिपार्टमेंट था वो कौन सा था डिफेंस मिनिस्ट्री का वो थी इंदिरा गांधी इंदिरा गांधी को आयरन लेडी ऑफ इंडिया कहते हैं इंदिरा गांधी आयरन लेडी ऑफ इंडिया किसको कहते हैं इंदिरा गांधी कभी कभी एग्जाम में पूछा जाता है इंदिरा गांधी की सामने इधर हो जा इंदिरा गांधी जो है इसका जो समाधि है जहां पे इंदिरा गांधी की समाधि है उस जगह को क्या नाम दिया गया है शक्ति स्थल क्या है ये क्वेश्चन बड़े इंपॉर्टेंट है सर शक्ति स्थल ये समाधि जो है इंदिरा गांधी की उसको बोलते हैं शक्ति स्थल ठीक है फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट कौन थी निर्मला सीतारमण फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट विद एडिशनल चार्जेस इंदिरा गांधी एंड इंदिरा गांधी इज ऑल्सो नोन एज आयरन लेडी ऑफ इंडिया एंड समाधि समाधि वेयर इज द समाधि ऑफ इंदिरा गांधी शक्ति स्थल इंदिरा गांधी से एक और क्वेश्चन बनता है वो इस साल रिम्स में रहा है इस साल 2023 में जो रिम्स में क्वेश्चन रहा है वो किस तरह था हु वाज प्रेसिडेंट ड्यूरिंग एमरजेंसी मैम वो तो इंदिरा गांधी जो प्रेसिडेंट था वो क्या ठीक है आप इंदिरा गांधी का क्वेश्चन करेंगे इसको स्किप नहीं करेंगे ठीक है प्रेसिडेंट ड्यूरिंग इमरजेंसी प्रेसिडेंट के पास ही राइट होता है इमरजेंसी को प्रोक्लेम करने का ठीक है प्रेसिडेंट प्रोक्लेम करता है इमरजेंसी हमेशा याद रखिएगा युवराज बोल कहां पे नहीं समझ आ रहा प्रेसिडेंट प्रोक्लेम तीन तरह की इमरजेंसी होती है नेशनल इमरजेंसी स्टेट इमरजेंसी एंड फाइनेंस इमरजेंसी किसने नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर की किसने इंदिरा गांधी ने ठीक है प्रेसिडेंट प्रोक्लेम करता है बट कंसेंट किसकी होती है कैबिनेट ठीक है कैबिनेट ने कंसेंट पास किया तो आगे प्रेसिडेंट को इमरजेंसी लागू कर दी ठीक है प्रेसिडेंट हु वाज अ प्रेसिडेंट ड्यूरिंग इमरजेंसी ये क्वेश्चन भी आता है ड्यूरिंग इमरजेंसी कौन थे ज्ञानी चेयर फर्स्ट सिख प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया
ठीक है, फर्स्ट सिख प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ये भी क्वेश्चन याद रखिएगा। तो उल्टा लिखती हूँ, ठीक है। इंदिरा गांधी कौन थी था ड्यूरिंग प्राइम मिनिस्टर, ठीक है, हु वाज़ द प्राइम मिनिस्टर ड्यूरिंग, प्राइम मिनिस्टर कौन थी इंदिरा गांधी, ये भी याद रखिएगा। एंड नेम द प्रेसिडेंट हु यूज्ड वीटो पावर, नेम द प्रेसिडेंट हु यूज्ड वीटो पावर, नेम द फर्स्ट प्रेसिडेंट, नेम द फर्स्ट, अब दोनों क्वेश्चन याद रखिएगा, ठीक है, नेम द फर्स्ट प्रेसिडेंट हु यूज्ड वीटो पावर अगेंस्ट पोस्ट ऑफिस बिल। अब वो गुरशब्द क्या बोलते हैं, मैं वो दिख ही नहीं रहा जो आप लिख रहे हैं, नहीं दिख रहा, थैंक यू अंदी रवदीप, चलो क्या लिखती हूँ, ठीक है, ठीक है, ड्यूरिंग नेम द प्रेसिडेंट हु यूज्ड वीटो पावर, वीटो पावर, वीटो पावर जो होती है ना एक पावर होती है, ये वीटो पावर भारत में किसके पास है, प्रेसिडेंट के पास, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के पास भी वीटो पावर है, ठीक है, ये पांच कंट्रीज के पास पावर है वीटो पावर, यूके यूएसए चाइना रशिया और फ्रांस के पास। इसी तरह भारत में किसके पास होती है इस पावर का यूज, कौन कर सकता है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, प्रेसिडेंट हु यूज वीटो पावर अगेंस्ट पोस्ट ऑफिस भी, ये भी क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है, इस साल रिपीट हुआ है, पिछले साल ये बड़े सारे एग्जाम में क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है, पोस्ट ऑफिस भी कौन है ज्ञानी, फर्स्ट सिख प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एंड ही वाज द प्रेसिडेंट ड्यूरिंग इमरजेंसी एंड इंदिरा गांधी वाज द प्राइम मिनिस्टर ड्यूरिंग एमरजेंसी, ये भी याद रखिएगा। और इंदिरा गांधी ने बैंकिंग सिस्टम फाइव ईयर प्लान में इंट्रोड्यूस किसने किया था, इंदिरा गांधी ने, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चाइना ईरान रशिया हो गया, इसने कि ये गल्फ ऑफ ओमान कहां पे हुआ, गल्फ ऑफ ओमान में। पैरा आर्चरी वेरी इंपॉर्टेंट, अर्जुन अवॉर्डी विनर है, ठीक है, यंगेस्ट एथलीट ऑफ द ईयर भी है ये, यंगेस्ट एथलीट ऑफ द ईयर कौन है, एंड वर्ल्ड फर्स्ट आर्मलेस पैरा पैरा प्लेयर कौन है, ठीक है, ये भी यही है, हाँ, एस ऑफ एसर भी, देखो इसका, देखो इनका नाम क्या है, शीतल देवी से क्वेश्चन कर लो, इससे आपको जेकेएसएसबी वाले एग्जाम में आ सकता है, ऐसे तो पूरे इंडिया में आ सकता है, बट जेकेएसएसबी इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये जेएनके से बिलोंग, किश्तवाड़ से बिलोंग करती है शीतल देवी। देखो इस बार अर्जुना अवार्ड क्या तो लिखा ही है, ठीक है, फिर आता है इसका एस ऑफ द एसर अवार्ड, एस ऑफ द एसर अवार्ड रियाद में कौन सा दिया गया था, रियाद में यंगेस्ट एथलीट अवार्ड और एथलीट ऑफ द ईयर अवार्ड आर्चरी में किसको दिया गया है, शीतल देवी, एथलीट ऑफ द ईयर अवार्ड, डन, ठीक है, ये से क्वेश्चन आ सकते हैं। इलेक्शन कमिश्नर ने क्या किया, इसको आयकर मनाया, किसका, किसके लिए, जो क्या है दिव्यांग लोग हैं, कौन से, हाँ, नेशनल दिव्यांगंज आयकर किसको बनाया गया है, शीतल देवी को, ठीक है, ये भी डन हो गया। जब इलेक्शन हो जाएंगे 19th ऑफ अप्रैल से भारत में इलेक्शन शुरू होंगे, उसके बाद ये क्वेश्चन अब ज्यादातर नहीं पूछे जाएंगे। ये वर्ल्ड की फर्स्ट आर्मलेस आर्चरी प्लेयर है, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इंडिया का रैंक ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में 134 है, क्या है 134, उसे मैंने क्वेश्चन नहीं कराना आज कर लो, ठीक है, और सिंगापुर इज ऑन टॉप। नेक्स्ट देखिए, वर्ल्ड स्पिरिचुअल फेस्टिवल, आप यहाँ पे स्पिरिचुअल फेस्टिवल से हम एक क्वेश्चन करते हैं, वर्ल्ड स्पिरिचुअल कॉन्फ्रेंस में जाते हैं, क्योंकि इसके साथ रिविजन भी हमने करनी है, बहुत सारे नए बच्चे इनके एग्जाम आ सकते हैं,
अभी रिम्स की भी साथ साथ में ही क्वेश्चन इसमें डालूंगी। नेक्स्ट यहाँ पे देखो, अब यहाँ ये क्वेश्चन भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, वर स्पिरिचुअल फर्स्ट स्पिरिचुअल वर स्पिरिचुअल कॉन्फ्रेंस फर्स्ट कहाँ पे, हु वाज द फर्स्ट टू अटेंड द वर स्पिरिचुअल कॉन्फ्रेंस, नेम द फर्स्ट इंडियन हु अटेंड द फर्स्ट स्पिरिचुअल कॉन्फ्रेंस। कौन भाई मजाक चल रहा है, अभी नाम लोग नो होगा, कौन स्वामी विवेकानंद, वेरी इंपॉर्टेंट, इट वॉज हेल्ड इन, विच वॉज हेल्ड इन शिकागो, शिकागो यूएसए, बहुत साल पहले 1870, ठीक है, शिकागो यूएसए पहली स्पिरिचुअल कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट किया था स्वामी विवेकानंद ने, यह आता है क्वेश्चन, शिकागो कॉन्फ्रेंस। नेम द न्यूज़पेपर विच वाज पब्लिश बाय स्वामी विवेकानंद, उद्बोधनी, यू डी, ये मतलब इसमें तो हमेशा ही मेरा यूडीबी, मेरा हमेशा इसमें तो हमेशा ही होता है, ठीक है, उद्बोधनी, उद्बोधनी, ठीक है, ये इसका न्यूज़पेपर है विच वॉज पब्लिश बाय स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद बिलोंग्स टू विच स्टेट, वेस्ट बंगाल, एंड हु वाज द गुरु ऑफ स्वामी, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सारे लिख लो, रामकृष्ण परमहंस, रामा कृष्णा, हु गिव द टाइटल गॉड इज वन, हाँ इन्होंने ही टाइटल दिया था क्योंकि इन्होंने चारों धर्म गॉड इज वन, हु सेड सानवी गॉड इज वन, रामकृष्णा परमहंस, ये बंगाली डिवोटी थे, माँ काली की पूजा करते थे, इन्होंने पहले कुरान पढ़ी, फिर उसके ऊपर सारा जो भी एनलाइटमेंट हुआ, फिर उसके बाद इन्होंने गुरु ग्रंथ साहिब पढ़ा, फिर उसके बाद इन्होंने क्या पढ़ा, गीता तो पढ़ी थी, इसके बाद जो है बाइबल पढ़ा, तो इन्होंने देखा कि सब में एक ही रास्ता है, सब एनर्जी जो है एक ही तरफ जाती है, तो इन्होंने बोला गॉड इज वन, ठीक है, गॉड इज वन किसने कहा था, रामकृष्णा परमहंस। और यहाँ पे नेम द ऑर्गेनाइजेशन विच वाज फाउंडेड बाय स्वामी विवेकानंद, रामकृष्ण मिशन, ठीक है, रामकृष्ण मिशन फाउंडर कौन है, स्वामी विवेकानंद, रामकृष्ण मिशन के फाउंडर है स्वामी विवेकानंद, ठीक है, हु गिव इनको द रियल नेम वाज स्वामी नरेंद्र दत्त, नरेंद्र मोदी नहीं है, ठीक है, नरेंद्र दत्त, और इनका जो नवेदिता, इनकी सिस्टर का नाम भी कभी कभी पूछते हैं, क्या है, सिस्टर वाज नवेदिता, सिर्फ जो डी और ये है ना, इस जब मैं बोधन लिखती हूँ इसमें हमेशा ही, ठीक है, नवेदिता सिस्टर है, ठीक, ये शिकागो से आई थी, इन्होंने स्वामी जी को फॉलो किया था और इनको इनकी सिस्टर बनी, उसके बाद इनको टाइटल किसने दिया, स्वामी का, जैसे राजा राम मोहन को टाइटल दिया राजा का अकबर टू, किसने दिया, अकबर टू, क्वेश्चन लिख रहे, हु गिव टाइटल टू, हु गिव टाइटल टू राजा, राजा टू राजा राम मोहन रॉय, अकबर टू, किसने दिया था, अकबर टू, इसी तरह इनको राजस्थान के जो राजा थे अजीत खेतरी, अजीत खेतरी, उन्होंने इनको टाइटल दिया था स्वामी विवेकानंद, ठीक है, स्टॉप ठहरो रुको सोचो, अजीत खेतरी, ठीक है, और ये स्वामी विवेकानंद का बड़े ही फेमस वर्ड्स हैं, देख रुको सोचो चलो, ठीक है, ये याद रखना है, इनकी बुक्स पढ़नी चाहिए। मैम ये कौन थे, अजीत खेतरी, ये राजा थे राजस्थान के, शॉर्ट पीरियड ही था, ठीक है, रामकृष्ण मिशन के फाउंडर कौन है,
विवेकानंद, और राजा राम मोहन रॉय को टाइटल अकबर ने नहीं अकबर टू में किसने दिया, अकबर टू। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए स्वीडन। अब ये वाला बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा पीछे हो जाते हैं, ये मैंने आपके लिए पहले भी बनाया था। नाटो, नॉर्थ, कभी कभी आपको जेके एस एस बी कॉन्स्टेबल एस एस टी जी डी वे एस आई में पूछ सकते हैं आपको, ठीक है। नॉर्थ अटलांटिक, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। आप इस नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन का यहाँ पे भी आजकल क्या चल रही है, कंफ्लिक्ट चल रही है इस कंट्री में भी, ठीक है, नहीं पहला उसमें चल रहा है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, ब्रुसेल, ऑस्ट्रेलिया नहीं है ब्रुसेल, बेल्जियम, बेल्जियम की कैपिटल है ब्रुसेल, बेल्जियम, बेल्जियम की कैपिटल क्या है ब्रुसेल, ऑस्ट्रिया की वीना है, ऑस्ट्रिया की, ऑस्ट्रेलिया की नहीं ऑस्ट्रिया की वीना है, ठीक है, लिख लो जिनको नहीं आती तो लिख लो। ऑस्ट्रिया, ऑस्ट्रिया यूरोपियन कंट्री है, ऑस्ट्रेलिया जो है अलग कॉन्टिनेंट है, स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट है ऑस्ट्रेलिया, और ऑस्ट्रिया जो है ये क्या है यूरोपियन कंट्रीज की वीना। यहाँ पे हेडक्वार्टर है किसका, ओ एम जी ए आई, ठीक है। अब यहाँ पे देखो नाटो का हेडक्वार्टर ब्रुसेल, ठीक है, हमने अब यहाँ पे देखो नेम द 30th कंट्री हु बिकम द मेंबर ऑफ नाटो, ठीक है, हमने किया था, ठीक, ये 31, 31 and 32, याद याद कर लो, ये तीनों ही करंट अफेयर 2023 और 4 की है। 30th कंट्री बनी पोलैंड, कौन सी बनी पोलैंड, और इसकी कैपिटल है वॉर्सा, मैंने सोचा मास्को की, मैंने रखो नहीं थी। 31st जो बनी फिनलैंड, कौन सी बनी फिनलैंड, फिनलैंड की कैपिटल है हेलसिंकी, ठीक है, हेलसिंकी। अब 32nd जो बनी है वो कौन बनी है, स्वीडन। अपनी अपनी कॉपी में सब बच्चे अपना क्या बनाएंगे, टेबल बनाएंगे, और ये नाटो की, ठीक है, स्वीडन की कैपिटल है स्टॉकहोम, ठीक है, करो ये वेरी इंपॉर्टेंट। नाटो का जो मेंबर बना 31st वो फिनलैंड था, 32nd कौन बना स्वीडन, ये क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है। फर्स्ट नहीं पता मुझे, जो अभी आपको कॉमन पूछ सकते हैं वो ये है, ठीक है, 30th पोलैंड, 31st फिनलैंड एंड 32 इज स्वीडन, जो करंट अफेयर में आपको ये पूछ सकते हैं। और बेल्जियम की कैपिटल है ब्रुसेल, ठीक है, आज आपको बहुत सारी कैपिटल्स भी आई है, ये आपको याद करने, थोड़ी थोड़ी करके करोगे हो जाएगा, ठीक है, सारी नहीं पूछते। नेक्स्ट देखिए थोड़ी एक और क्वेश्चन इससे कर लो, ये आता है, ठीक है, इससे क्वेश्चन क्या करना है, ब्रिक्स के न्यू मेंबर कौन बना था, ब्रिक्स का इजिप्ट, और भी 5 देश बने हैं पर आपको अभी इजिप्ट याद रखना है, ठीक है, ये 2023 में बना ब्रिक्स का न्यू, ब्रिक्स मीन्स ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, इजिप्ट के साथ 5 और देश बने हैं। बुक लेंट अफेयर का डिटेल क्वेश्चन है, वो मैं कल या परसों कराऊंगी। नेक्स्ट देखिए एशियान एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, ठीक है, इसका मेंबर कौन बना था, तिमोर लेस्ट, कौन बना, तिमोर लेस्ट, और याद रखिएगा तिमोर लेस्ट में भारत ने अपनी एम्बेसी भी खोली है 2023 में, ये भी डन हो गया। सार्क, सार्क क्यों करना चाहिए ना, साउथ एशियन एसोसिएशन रीजनल कोऑपरेशन, इसका 2016 में जो लास्ट मेंबर बना था अफगानिस्तान, कौन था अफगानिस्तान, बहुत अभी सार्क इज नॉट वर्किंग, ठीक है, और कोई रहा जिसका मेंबर बने हैं, हाँ, शंघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन ईरान, शंघाई कॉर्पोरेशन, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सबके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है, कर लो।
ब्रिक्स का इजिप्ट पांचों लोग भी बने हैं, वो मैं आपको बता देती हूँ, देख लो। किसका? हाँ, आ रही हूँ G20 पे। सर्कल ना कितनी उसकी वो है, कुछ मैंने बनाया है। देख लो, नाटो के जो चेयरमैन सेक्रेटरी जनरल है जेंस स्टॉल्टनबर्ग है, और चेयर जो है इनकी अभी चेयर में कौन बैठा है, नाटो की मिलिट्री कमेटी रॉब ड्यू। ठीक है, ये भी यार 32 मेंबर्स हो गए करंटली। मैंने क्वेश्चन लगाया था, नहीं मिल रहा, जब डिस्कस करेंगे तब आते। ठीक है, ये हो गया। अब नेक्स्ट देखिए, एक और आएगा G20। ठीक है, G20 मीन्स ग्रुप ऑफ 20। G20 में अफ्रीकन यूनियन का हेडक्वार्टर लिख लो, कहाँ पे है, कहाँ पे है अफ्रीकन यूनियन, और इसका हेडक्वार्टर जो है एडिस अबाबा। ये भी याद रखिएगा, एडिस अबाबा में G20 का जो G21 नेक्स्ट ईयर हो जाएगा, और G20 की प्रेजेंसी भी लिखो, वेरी इंपॉर्टेंट, ये पूछ सकते हैं, किसी को किसी भी एग्जाम में आ सकती है। G20 जो 21 नेक्स्ट ईयर हो जाएगा, इसकी प्रेजेंसी किसके पास चलेगी, है ब्राजील के पास। किसके पास है, 2024 में G20 कहां पे होगी, ब्राजील। और 2023 कहां पे होगी, भारत में। नेक्स्ट क्वेश्चन हम डिस्कस नहीं करेंगे, इसको हमने रखा है भारत का पहला और ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट जो है हरियाणा के हिसार में, इसको हम बड़ी बार करंट अफेयर में इस मार्च में डिस्कस कर रहे हैं। नेक्स्ट देखिए, अब SCO को देखते हैं, SCO की क्या बोल रहे हैं, SCO की 2023 की प्रेजिडेंसी भारत के पास थी। किसके पास थी, भारत के पास। इस साल क्या बोल रहे हैं, SCO का जो फोर्थ एडिशन था, ऐसे तो SCO बहुत ज्यादा हो चुकी है, बट ये फोर एडिशन है SCO किसका, स्टार्टअप फोरम का। किसका, स्टार्टअप फोरम जो SCO का फोर्थ एडिशन हुआ है वो भारत में न्यू दिल्ली में हुआ है। अब नए बच्चे देखेंगे, SCO है शंघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन। इसका हेडक्वार्टर कहां पे है, बीजिंग। कहां पे है, बीजिंग चाइना में। ठीक है, और इसके न्यू मेंबर कौन बने हैं, पांच कंट्रियां बनी है। ठीक है, कितनी बनी है, और नहीं यार, ईरान में ब्रिक्स में चलेगी। ठीक है, इसका नया मेंबर ईरान बना, और इस ये हो गया। अब इसका स्टार्टअप फोरम जो होगा वो न्यू दिल्ली में ऑर्गेनाइज किया जाएगा। नेक्स्ट, सुडान जो है अफ्रीकन कंट्री है। ठीक है, सुडान में क्या हो रहा है, क्राइसिस हुए हैं जिसकी वजह से वहां पे हंगर क्राइसिस भी राइज हो गया है, और ये जो कंफ्लिक्ट हुआ है वहां की आर्मी और पैरामिलिट्री फोर्सेस के बीच हुआ है। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन आ सकता है, ये आपका एनवायरमेंटल रिलेटेड रहेगा, JKSSB SI। ठीक है, और नेक्स्ट देखिए, वेरी इंपॉर्टेंट, नेक्स्ट को वेरी इंपॉर्टेंट करो सब, देवी शंकर अवस्थी अवार्ड। ये SSC जो जून जुलाई में होने वाला, CHS और SSC में 100% रहने वाला क्वेश्चन है। ठीक है, देवी शंकर अवस्थी अवार्ड जो है निशांत को दिया गया, 29 देवी शक्ति देवी शंकर अवस्थी अवार्ड निशांत ने जीता है। संगीत, इनको हम थोड़ा अवार्ड बाद में करेंगे। ठीक है, वर्ल्ड फॉरेस्ट्री डे हम सेलिब्रेट करते हैं 21st of March। क्या करते हैं, अब जितने भी डेज होते हैं इनको UN क्या करता है, पास करता है कि हम इसको डेज बना देते, जैसे आयुर्वेदा डे, योगा डे में USUNGA में
कहां पे, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में रेजोल्यूशन लाया गया और पूरी दुनिया में 21 जून को योगा डे मनाया जाता है। और इसका थीम देखिए वेरी इंपॉर्टेंट फॉर, ठीक है, अलग अलग बच्चे अलग अलग एग्जाम के लिए है, पर ये कॉमन रहता है एग्रीकल्चर जिसका भी एग्जाम रहेगा, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहेगा। उसका थीम फॉरेस्ट एंड इनोवेशन, न्यू सॉल्यूशन फॉर ए बेटर वर्ल्ड। जितना फॉरेस्ट जो हम बचाएंगे उतनी ज्यादा क्या होगी, बीमारियां कम होंगी, ऑक्सीजन फ्रेश आएगी। वर्ल्ड का जो 20% ऑक्सीजन है वो ब्राजील से आती है, कहां से आती है, ब्राजील से। और जो अब क्या है कि ब्राजील में भी हम लास्ट 2-3 ईयर से देख रहे हैं जंगल काटे जा रहे हैं, उसको ब्राजील को लंग्स ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता है। क्या, किस कंट्री को लंग्स ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता है, लंग्स ऑफ द वर्ल्ड। ये साउथ अमेरिकन कंट्रीज हैं, ब्राजीलिया इसकी कैपिटल है, ब्राजीलिया इसकी कैपिटल क्या है, ब्राजीलिया। 2016 ओलंपिक्स, रियो ओलंपिक्स यहीं पे हुए, रियो ओलंपिक्स वाज हेल्ड इन ब्राजील, ठीक है, ये भी याद रखिएगा। इसमें 2 मेडल भारत ने लाए थे, 1 सिल्वर आया था बैडमिंटन में, पीवी सिंधु लाई थी, पीवी सिंधु, और दूसरा कुश्ती, कुश्ती को बोलते रेसलिंग, ठीक है, इनकी लड़ाई चलती है हमारे देश में। और ये कौन सी थी रेसलिंग की, फेस याद हो गया, नाम भूल गया, साक्षी मलिक, ठीक है, ये भी लिख लो वेरी इंपॉर्टेंट, साक्षी मलिक ब्रॉन्ज था, ये पहला ब्रॉन्ज था रेसलिंग में वुमन जो लाई थी, और सिल्वर पहला था बैडमिंटन में पीवी सिंधु लाई थी। ये बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है, साथ साथ में ही मैं आपको याद भी करवा दूं, लंग्स ऑफ द वर्ल्ड ब्राजील को बोलते हैं। अब यहाँ पे जो है लार्जेस्ट फॉरेस्ट इन द वर्ल्ड, हाँ वो भी यहीं से इसी के कंसर्न क्वेश्चन है, क्योंकि हम साउथ अमेरिका सैर कर रहे हैं। फोर्थ लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट ऑफ द वर्ल्ड, फोर्थ लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट ऑफ द वर्ल्ड इज साउथ अफ्रीका, साउथ अमेरिका, ठीक है। लार्जेस्ट फॉरेस्ट इन द वर्ल्ड कौन सा है, अमाजानी, अमेज़न, ठीक है। और नेक्स्ट देखिए इसका लार्जेस्ट इनलैंड रिवर, वो भी कौन सी है, अमेज़न, ठीक है। फिर इनलैंड रिवर होगी, और सेकंड लार्जेस्ट रिवर इन द वर्ल्ड, सेकंड लार्जेस्ट रिवर इन द वर्ल्ड इज अमेज़न। और इसके बाद लार्जेस्ट रिवर कौन सी, नाइल, कौन सी, एनाकोंडा, शैनाकोंडा, जितने भी कोंडाज है ना, एनाकोंडा बड़े बड़े, वो सब साउथ अफ्रीका में ही आए जाते हैं। और पहली जो साउथ अफ्रीका में ज्यादातर जो नेशनल गेम्स है वो फुटबॉल है, ब्राजील, मैक्सिको, अर्जेंटीना, यूरुग्वे, हेती, इन सब का नेशनल गेम क्या है, फुटबॉल। फुटबॉल भी लिख लो कौन कौन से देश का नेशनल गेम है, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये हो गया डन, एक के साथ बहुत सारे क्वेश्चन गिफ्ट मिलते हैं यहाँ पे, ठीक है। कौन कौन से देश फुटबॉल खेलते हैं, हेती, अर्जेंटीना, मेक्सिको, फ्रांस, यूरुग्वे, इज़राइल, इन सब का नेशनल गेम है फुटबॉल, ठीक है। और फीफा जीतने वाली फर्स्ट फीफा कौन से देश ने जीता, फर्स्ट फीफा जीतने वाली यूरोपीय, ठीक है। स्पेन, स्पेन में भी क्या खेलते हैं, नहीं स्पेन में बुल फाइटिंग है, स्पेन में बुल फाइटिंग है। और इजराइल की फीफा फर्स्ट फीफा किसने जीता था, यूरोपीय, ठीक है, यूरोपीय वॉन द फर्स्ट फीफा वर्ल्ड कप, ये भी याद रखिएगा, ये भी क्वेश्चन आते हैं। डन हो गया, हम एक किस क्वेश्चन में थे, फॉरेस्ट के साथ हमें बड़े सारे। और इंडिया का लार्जेस्ट फॉरेस्ट एरिया किसके पास है, भारत का कौन से स्टेट में लार्जेस्ट फॉरेस्ट, एमपी, कौन है, एमपी, मध्य प्रदेश। और लार्ज सबसे ज्यादा मैक्सिमम नंबर ऑफ नेशनल पार्क आर आल्सो फाउंड इन एमपी, कितने हैं नेशनल पार्क एमपी में, 8, कितने हैं, 8। हमने बड़ी बड़ी ट्रिक याद किया है, बोलो ना, माधव, काना, काना,
पन्ना मैं बोलती हूँ आप सुनो, आप धीरे धीरे बोलोगे। माधव का नाम पन्ना, संजय सब, संजय पंच, बांधव घर फॉसिल फ्यूल, बांधव घर, एक बार बोला करो, याद रखा करो, एक एक करके नहीं बोलना। माधव काना, माधव काना, पन्ना, संजय सर, पांच दोस्त बांधवगढ़ के नेशनल पार्क में घूमने गए। बांधवगढ़ के नेशनल पार्क में फॉसिल ढूंढने गए, ठीक है। ये ट्रिक याद कर लो, याद हो जाएंगे। नेशनल पार्क आता है कुनू नेशनल पार्क, इज फेमस फॉर अभी इजराइल नाइजीरिया से भारत ने क्या लिए, चीता। विक्की क्यों मुस्कुरा रहा है, चीता। चीता कहां से आए, कुनू नेशनल पार्क से, ठीक है। चीता हाँ ये ठीक है, चीता से, चीता हम निकाल के कुनू नेशनल पार्क। और अब दूसरा नेशनल पार्क कौन सा तैयार हो रहा है, बादला। दूसरा कौन सा है, बादला, बादला, ठीक है। ये हो गया डन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। थीम इसका याद रखना है, आ सकता है, ठीक है। मैं सारे क्वेश्चन साथ साथ में ही रिवीजन करवाऊंगी ताकि आपके रिवीजन जल्दी आइए। एनडीए के लिए, रिम्स के लिए, जेके एसएसपी, कांस्टेबल एसआई के लिए सारा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, इंडिया यूएस, इंडिया और यूएस के बीच एक मिलिट्री एक्सरसाइज हुई है, उसका नाम क्या है, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल डिफेंस एक्सरसाइज टाइगर ट्रंप 2024, ठीक है। इसको अभी डिस्कस बाद में करेंगे, मैंने इतना ही लिखा है। नेक्स्ट है इंडियन आर्मी कॉन्टिजेंट जो है सेचल्स, सेचल जो है इंडियन ओशन के ऊपर ही है, ठीक है। और यहाँ पे इंडिया और सेचल के बीच एक मिलिट्री एक्सरसाइज होती है, उसका नाम है लिम टाई। ये याद किया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, लिम टाई, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। अब सेचल देखो, कुछ देश जिनकी करेंसी सिर्फ क्या है, रुपीस। इंडिया ने सेचल से एक पार्ट जो है, एक लैंड लिया, लीज पे लिया 100 ईयर के लिए। किसके लिए, 100 ईयर, बंदरगाह जिसको कहा जाता है। तो ये 100 ईयर के लिए सेचल की लैंड इंडियन आर्मी को दी, ये है डिफेंस को दी गया। अगर कोई कंफ्लिक्ट हो जाता है सेचल्स और इंडिया के बीच तो क्या होगा, 20 ईयर्स के अंदर अंदर इंडिया को वो लैंड खाली करनी पड़ेगी। 20 साल अगर कॉन्फ्लिक्ट्स हो जाता है, ठीक है। आप देखो कौन कौन से देश हैं जिनकी रुपीस करेंसी है, इंडिया, इंडिया लिखेंगे तो पाकिस्तान तो लिखेंगे ही, हमारा ही देश है, ठीक है। इंडिया, पाकिस्तान, ये भी हमारा ही देश है ना, इंडियन सब कॉन्टिनेंट, अफगानिस्तान, बांग्लादेश नहीं जाएंगे भाई, ठीक है। इंडिया, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, श्रीलंका, मालदीव्स, एंड लास्ट वन इज सेचेल। इसको स्पेलिंग देख लूं, CHELLES, से SEY है, ठीक है, सेचेल। इन सब की क्या है, रुपीस करेंसी है, याद कर लो, बहुत इजी है। इंडिया, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, श्रीलंका, मालदीव्स एंड सेचल। अब यहाँ पे तो इतनी रुपीस होगी, एक और देश है जिसने अपनी संस्कृति को आज तक नकारा नहीं है। भारत तो हो गया, भारत ने अपना मॉडर्न हो गया तो रुपीस हो गए रुपया से, ये है इंडोनेशिया। इंडोनेशिया इसकी है रुपया, क्या है, रुपया। इंडिया की रुपीस, पाकिस्तान की रुपीस, अफगानिस्तान की रुपीस, नेपाल की रुपीस, श्रीलंका की रुपीस। अब बांग्लादेशी भारत में आता है, भारत का नेबरिंग कंट्री है, बांग्लादेश की है ढाका, ढाका कैपिटल है, ढाका और ढाका। इंडिया की जो कैपिटल है वो न्यू दिल्ली है, पाकिस्तान की इस्लामाबाद, अफगानिस्तान की इस्लामिक एमिरेट ऑफ अफगानिस्तान, नेपाल की काठमांडू, श्रीलंका की तीन है, ठीक है, कोलंबिया, और अब है श्री जया वर्धना कोटेपुरा, कौन सी है, श्री जया वर्धना कोटेपुरा, मालदीव की मले एंड सेचल की देख लो, ठीक है। ये सारी क्या है,
करेंसी कैपिटल्स है और रुपीज इनकी करेंसी है, ये भारत की नेम। इंडिया का नेशनल जो गेम्स है वो क्या है, बीच उड़िया है, कभी कंफर्म नहीं है। पाकिस्तान का हॉकी है, अफगानिस्तान का क्या है, भुजकाशी, अफगानिस्तान का भुजकाशी, नेपाल का वॉलीबॉल, श्रीलंका का भी वॉलीबॉल, मालदीव्स का नहीं पता, ठीक है, ये बांग्लादेश का कबड्डी, बांग्लादेश का कबड्डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इंद्रावती, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ पे देखिए, इंद्रावती जो है, इंडिया ने एक ऑपरेशन लॉन्च किया है, ठीक है, क्या नाम है, इंद्रावती। इंद्रावती कौन से देश के लिए लॉन्च किया, साउथ अफ्रीकन देश, यहाँ साउथ अफ्रीकन देश, सॉरी इंद्रावती, ये टेबल बना लो सभी, इस टेबल को सभी याद करेंगे, ठीक है। इंद्रावती भारत में जो लोग फंस गए हैं वहां पे भी कंफ्लिक्ट चलते हैं आपस में ही, वहां पे आर्म ग्रुप्स के कंफ्लिक्ट चल रहे हैं, जिसकी वजह से भारतीयों को वापस लाया जा रहा है ऑपरेशन इंद्रावती के साथ। ऑपरेशन गंगा, गंगा जो है यूक्रेन में, रशिया और यूक्रेन की वॉर में लगाया गया था ऑपरेशन गंगा। ऑपरेशन और कौन सी है, अजय, इजराइल और हमास की लड़ाई में, इजराइल और हमास की लड़ाई में ऑपरेशन अजय। और ऑपरेशन अफगानिस्तान में कौन सा था, दुर्गा शक्ति नहीं, अफगानिस्तान में कौन सा ऑपरेशन था, अब देखो सूडान में कावेरी, सूडान में कावेरी ऑपरेशन को लॉन्च किया गया था, ठीक है। ये सारे 23 के करंट अफेयर हैं, ये सारे आ सकते हैं। ऑपरेशन मेघदूत, ऑपरेशन मेघदूत है शिव शक्ति नहीं, ऑपरेशन इंडियन आर्मी ने कौन सा ऑपरेशन लॉन्च किया रिसेंटली, पीर पंजाले में, कौन सा ऑपरेशन मेघदूत, नहीं मेघदूत तो सियाचिन ग्लेशियर के लिए था, ठीक है, मेघदूत लिख लो, मेघदूत, हाँ मेघदूत जो है ये किसके लिए था, सियाचिन ग्लेशियर के लिए, देवी शक्ति अफगानिस्तान के लिए, देर ऑपरेशन इंडियन आर्मी लॉन्च ऑपरेशन पीर पंजाल, नेम द ऑपरेशन विच वाज लॉन्च बाय इंडियन आर्मी पीर पंजाल इन जम्मू एंड कश्मीर, देवी शक्ति अफगानिस्तान। और दोस्ती ऑपरेशन तुर्की में जो लास्ट ईयर वो अर्थक्वेक आया था, तुर्की का उसका नाम है तुर्की। और क्या ऑपरेशन है, करुणा ऑपरेशन रह गया, करुणा इंडियन आर्मी ने जो लास्ट ईयर म्यांमार में क्या आया था, फ्लड की वजह से इंडियन आर्मी ने लॉन्च किया था अगेंस्ट इंडियन आर्मी, ये रहना ऑपरेशन क्या है, इंडियन आर्मी ने लॉन्च किया था किसके लिए, म्यांमार, ठीक है, याद करना ऑपरेशन। और देखें ऑपरेशन इंडियन आर्मी ने कौन सा लॉन्च किया है, भूल गया, देख भाई, सर्वशक्ति अभियान, चेक कर लेते हैं, ठीक है, ये वाला रख लो, सर्वशक्ति मुझे नहीं आता था, सर्वशक्ति शिव शक्ति तो नहीं है, ठीक है, सर्वशक्ति, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये वाला क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। इंद्रावती एथी के लिए, गंगा यूक्रेन के लिए, अजय इजराइल के लिए, कावेरी सूडान के लिए था, ऑपरेशन शिव शक्ति, सर्वशक्ति है कि शिव शक्ति, चलो देख लेते हैं मुझे, मेघदूत सियाचिन ग्लेशियर के लिए था, देवी शक्ति अफगानिस्तान के लिए, दोस्ती तुर्की के लिए, एंड लास्ट वन कौन सा लिखा मैंने, इंडिया करुणा, करुणा जो है ये किसके लिए, इंडियन आर्मी ने म्यांमार के लिए लॉन्च किया था। नेक्स्ट देखो, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जिसका भारत पहला देश है जिसे साउथ पोल ऑफ द चंद्रमा में लॉन्च किया था। अब इसके आई
IAU ने इसका अप्रूवल दे दिया गया है, जो साउथ पोलर जहां पे लैंडिंग हुई थी उसका नाम शिव शक्ति पॉइंट अडॉप्ट कर लिया गया है। ठीक है, ये कौन देता, IAU इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन इनको अप्रूवल देते हैं। नेक्स्ट है थाईलैंड पार्लियामेंट ने बिल पास किया है कि गिविंग नॉट टू सेम सेक्स मैरिज फर्स्ट इन साउथ, ये पहली साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज बन चुकी है, यहाँ पे सेम सेक्स मैरिज को क्या किया गया, अप्रूवल दिया गया है। नेक्स्ट देखो, ये लार्जेस्ट, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, लार्जेस्ट डायमंड बोर्ड्स इन द वर्ल्ड कौन सी है, कहां पे है, सूरत में। सूरत इज नोन एज डायमंड सिटी ऑफ इंडिया, विच सिटी इज का डायमंड सिटी ऑफ इंडिया, सूरत, और सबसे डायमंड प्रोड्यूस एमपी में, ठीक है, बट सूरत इज का डायमंड प्रोड्यूस डायमंड सिटी ऑफ इंडिया। और डायना मेमोरी, डायना जो थी ब्रिटिश ब्रिटिश रॉयल फैमिली की डॉटर इन लॉ थी, इस साल डायना मेमोरियल अवार्ड उदय भाटकर मानसी गुप्ता को दिया गया है। वॉट टीबी ट्यूबरक्लोसिस की यहाँ पे इसका डेडलाइन देखिए, डेडलाइन भारत बोलता है कि 2025 तक इंडिया क्या करेगा, टीबी को खत्म कर देगा भारत से, और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन बोल रहा है 2027 जो है भारत नहीं भाई, 2027 भारत का है, 2030 नहीं भाई, चलो इस क्वेश्चन को रख दो, ठीक है चेक कर लेते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, और वेरी इंपॉर्टेंट टीवी का आपको थीम पूछ सकते हैं, यस वी कैन एंटी, ठीक है। और नेक्स्ट है वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल डे, ये 23 मार्च में होता है, और वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, जेनीवा स्विट्जरलैंड, कहाँ पे है, जेनीवा स्विट्जरलैंड। जितने भी क्या आते हैं, साइक्लोन्स आते हैं, स्टॉर्म्स आते हैं, ये कौन बताता है, मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट बताता है। और एट द फ्रंट लाइन ऑफ द क्लाइमेट एक्शन, जब भी क्लाइमेट कुछ भी डिजास्टर करेगा, ये फ्रंट लाइन में खड़े मिले गए आपको। कश्मीर पहली बार होस्ट करेगा फार्मूला 4 रेसिंग इवेंट अलोंग डल, हो गया अलोंग डल, ठीक है। इलेक्शन कमीशन ने नो योर कैंडिडेट ऐप, एक ऐप लॉन्च किया, डेट इज कॉल्ड नो योर कैंडिडेट ऐप। भारत का पहला आयुर्वेदा कैफे केफ जो है ये दिल्ली में खोला गया है। भारत का पहला इग्लू रेस्टोरेंट गुलमर्ग में है, कहाँ पे है, गुलमर्ग में। भारत का पहला हाइड्रोजन ग्रीन प्लांट हिसार में। भारत का पहला इंडोर स्टेडियम फॉर एथलीट्स कहाँ पे है, कलिंगा स्टेडियम, ये भी याद रखिए। भारत का पहला सबसे बड़ा स्टेडियम कौन सा है, नरेंद्र मोदी स्टेडियम, जिसका उसका नाम याद रखिएगा, नरेंद्र मोदी से पहले उसका नाम सरदार पटेल था, उससे पहले मानपा मोटेरा, सबसे पहले मोटेरा स्टेडियम, फिर सरदार पटेल, फिर अब मोदी स्टेडियम, उसके नाम चेंज होते रहे। ये आपका एक पार्ट मैंने आज डर गया, कल हम ये सारे अवार्ड है मैंने आज इसको नहीं लगाया क्योंकि इनको भी डिस्कस करते हुए बड़ा ज्यादा टाइम होगा। ये मार्च के ही करंट अफेयर्स हैं, इससे बाहर के अभी नहीं है, ठीक है। वन लाइनर ही मैं डिस्कस करूंगी, यह वीकली था, 18 को मैंने आपकी क्लास लास्ट दी थी, 18 से 28 के करंट अफेयर्स, ठीक है। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।